तो गाइस सर, क्या आपको पता है कि अभी के टाइम पर 80-90% टिकटॉक क्रिएटर के अकाउंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर बात करें आईडी फ्रीज होने की, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इस चीज से परेशान है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टिकटॉक आईडी को 100% कैसे अनफ्रीज कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका आईडी क्यों फ्रीज हुआ है, किस रीजन की वजह से हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियोस पे व्यूज कैसे इंक्रीज कर सकते हो, लाइक्स कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर देना। साथ ही साथ आप मेरे को आज के इस वीडियो में ये कमेंट करके बताओ कि आपके वीडियोस पे कितना व्यूज आता है और आपको लाइक कितना मिलता है, जरूर से मेरे को कमेंट करके बताना। सो गाइस, सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लो, मेरा नाम आसिफ और आप देख रहे हैं नेट मैकेनिक्स यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करके बगल में एक ऑल का ऑप्शन होता है उसको भी जरूर से सिलेक्ट कर लेना। तो अब आ जाते हैं मुद्दे पर। सो गाइस, यहां पर तीन तरीके के टिकटॉक पे लोग होते हैं। पहले वैसे लोग जो टिकटॉक पे आते हैं और जल्दी जल्दी चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द कैसे ग्रो कर जाऊं, और इस चक्कर में वो लोग जो है वो शॉर्टकट अपनाते हैं। शॉर्टकट बोले तो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो वो लाइक्स ले लेते हैं, या फिर लाइक्स और जो फॉलोअर जो होता है उसको बाय कर लेते हैं, जिसके वजह से उसका आईडी जो वो ठप हो जाता है। उसके वीडियो पे जो वो 50-60 भी व्यूज नहीं जाता है, 10-20 व्यूज में ही जो है वो खत्म हो जाता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर दूसरे कैटेगरी के लोग दोस्तों, वैसे लोग जिनके वीडियोस पे 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500 व्यूज भी आते हैं, और उनकी वीडियो पे जो 20, 30, 40 लाइक्स भी आते हैं, और वो लोग भी बोलते हैं कि भाई मेरे आईडी फ्रीज हो गई है। तो ये लोग वैसे लोग होते हैं जो टिकटॉक पे जो है वो कभी कभी वीडियोस डालते हैं। जी हाँ, आज वीडियो डाला तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो 7 दिन के बाद डालेंगे, 4 दिन के बाद डालेंगे। तो ये हो गए दूसरे टाइप के लोग। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के लोग, जो कि यहाँ पर उनके अकाउंट पे जो है वो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, उनकी कुछ वीडियोस वायरल भी हुई है, और यहाँ पर उनके अकाउंट पे काफ़ी अच्छे हर्ट भी हैं, लेकिन अभी उनका अकाउंट जो है वो बुरी तरीके से ठप हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे पॉपुलर क्रिएटर भी आपको टिकटॉक पे देखने को मिल जाएंगे, जिनको पॉपुलर क्रिएटर का बैच लगा हुआ है, लेकिन उनकी वीडियो पे 500 व्यूज़ भी नहीं जाते हैं। तो तुम्हारा भाई तुमको बताएगा कि तुम इससे कैसे इस चीज़ का सॉल्यूशन कर सकते हो, तो वीडियो को देखते रहो। तो सुन लो आपको करना क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले टाइप के लोग जो टिकटॉक पे आते हैं और जल्दी जल्दी चाहते हैं कि कैसे हम ग्रो कर जाएं, और उसमें कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो टिकटॉक के कम्युनिटी गाइडलाइन को वॉलेट करते हैं, और उनका अकाउंट जो वो फिर बैठा ही देता है टिकटॉक, उसके बाद तो उसको ग्रो करने का किसी भी तरीके का चांस नहीं मिलता, उसका एक भी वीडियो वायरल नहीं होता है। तो पहला कैटेगरी वो होता है अकाउंट फ्रीज होने का। दूसरा कैटेगरी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैसे ही लोग जो टिकटॉक पे कभी कभी वीडियो डालते हैं, आज डाला फिर 2 दिन के बाद डालेंगे, फिर 4 दिन के बाद डालेंगे, फिर 10 दिन के बाद डालेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, तीसरा कैटेगरी जो है सबसे ज़्यादा जो हालत ख़राब होता है ये तीसरे कैटेगरी वाले का, जिनके फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हर्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो जो है वो उसका अकाउंट जो वो फ्रीज हो जाता है, उनकी वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आपको जो है वो करना क्या है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपको ये दो कैटेगरी जो मैंने आपको बताया, जो कि शॉर्टकट अपनाते हैं, और दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया कि कभी कभी वीडियो डालते हैं, तो इसके लिए तो एक ही जवाब है भाई, कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप एक्टिव हो, अगर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आप जो है वो कितना भी कुछ कर लो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो अब बात करते हैं तीसरा, जो कि मैंने आपको बताया जिनके अकाउंट पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर भी होते हैं और उनका अकाउंट पे काफ़ी ज़्यादा हर्ट्स भी होते हैं, लेकिन उनके वीडियोस जो है वो वायरल नहीं होते हैं, फॉर यू पे नहीं जाते हैं, और उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तो वो लोग क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत वैसे ही लोगों को आ रहा है यहाँ पर। और तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं आप लोगों के अकाउंट को चेक कर रहा था, तो यहाँ पर मेरे को एक बंदे का अकाउंट मिला, आपको यहाँ पर दिखता होगा, इस बंदे के 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर है, लेकिन अभी आप इनके अकाउंट पे जाओगे तो आपको 300-400 व्यूज से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो ये भाई ने मेरे को बताया कि भाई ऐसा सीन हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे अकाउंट्स को चेक किया, आप लोग जो कमेंट करते हो तो बहुत सारे लोगों के साथ यही सेम प्रॉब्लम है, और आप लोग कमेंट भी करते हो। तो यहाँ पर इस तरीके का बहुत सारा अकाउंट है जो कि एक टाइप का गलती करता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो गलती क्या होता है। कि यहाँ पर मैंने इस भाई के अकाउंट को पूरा रिव्यू किया, पूरे वीडियोज़ को चेक किया, तो यहाँ पर मैंने देखा कि इस भाई के जो वो वीडियो पे जो इसका अकाउंट जो वायरल हुआ था, 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हुआ है, इसकी वीडियो जो है वो एक डुएट वाली वीडियो वायरल हुई थी। यहाँ डुएट वीडियो इन्होंने बनाया था एक लड़की के साथ, आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखता होगा। इनकी वीडियोस पे काफ़ी लाइक आया, और भी बहुत सारे इनके डुएट वीडियो थे जिन पे काफ़ी अच्छे लाइक्स थे, तो उनकी वीडियो जो वायरल हुई। और लेकिन उसके बाद ये भाई ने गलती क्या किया,
कि वो जो है वो डू इट बनाना बंद कर दिए बंदा ने, डू इट बनाना पूरी तरीके से बंद कर दिए। अब बताओ आपको जिस ऑडियंस ने देख करके, डू इट को देख करके आपके ऑडियंस ने आपको फॉलो किया और अब आप उसको दे रहे हो लिपसिंग का, गाने का लिपसिंग का वीडियो दे रहे हो, तो वो आपकी वीडियो को देखेगा? कभी भी नहीं देखा गया। तो ये बहुत ही बड़ा मेजर गलती है कि वो लोग जो है वो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अकाउंट, अब ये मैं तो आपको एक एग्जांपल दिया डुएट का, यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉमेडी करते हैं, कॉमेडी का कंटेंट उनका वायरल होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो लोग क्या करते हैं कि वो कोई अपना अलग टाइप का वीडियो बनाने लगते हैं, जिसके कारण जिस ऑडियंस ने आपको जिस कंटेंट के साथ फॉलो किया है आप उनको वो कंटेंट दे ही नहीं रहे, तो वो आपका वीडियो क्यों देखेंगे, आपका वीडियो को स्किप करेंगे, जिसकी वजह से आपके अकाउंट पर एंगेजमेंट नहीं आएगा और आपका अकाउंट जो वो बुरी तरीके से बैठ जाता है और आपके फॉलोअर भी साथ ही साथ डिक्रीज होने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है आपके अकाउंट को फ्रीज होने का। तो आपको दोस्तों आपको कंसिस्टेंट रहना है एकदम, आप किसी भी कैटेगरी में हो आप अपने कैटेगरी को जल्दी स्विच मत करो और डेली वीडियो डालो। डेली वीडियो डालोगे तभी कुछ होगा। और मैंने आपको बता दिया कि गलती क्या करते हो आप लोग किसी अलग कंटेंट से वायरल होते हो और फिर वीडियो कुछ और बनाने लगते हो। ऑफकोर्स आपकी ऑडियंस आपको देखेगी ही नहीं, तो क्या फ़ायदा होगा? तो ये सबसे बड़ा कारण है आप लोग के अकाउंट को फ्रीज होने का, जो आप लोग बोलते हो कि भाई व्यूज़ नहीं आ रहा है, तो ये सबसे बड़ा कारण है फ्रीज होने का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा मैंने क्या बताया। आपको जो दोस्तों एक टाइप का कंटेंट बनाना है, तो अब यहाँ पर बात आए थे कि अनफ्रीज कैसे करें। तो अनफ्रीज करने के लिए आपको बस वही करना है, जिस कंटेंट से आप वायरल हुए थे आपको उसी टाइप का कंटेंट बनाना है। जी हाँ, तो दोस्तों आपको जो है वो उसी टाइप के कंटेंट पे फोकस करना है, आपको डेली वैसे ही वीडियो बनाना है जिस कंटेंट से आपका अकाउंट ग्रो हुआ था, आपके इतने ज़्यादा फॉलोअर हुए थे, तो देखना आपके अकाउंट पे जो वो एंगेजमेंट बढ़ने लगेगा, आपके वीडियोस पे व्यूज़ भी इंक्रीज होगा। मैं लिख के दे देता हूँ, और आप बस तीन टाइप के हैशटैग लगाना, ज़्यादा नहीं, हैशटैग टिकटॉक इंडिया, हैशटैग फॉर यू और हैशटैग FYP, ठीक है ना? ये तीन टाइप के हैशटैग लगाना, ज़्यादा अचरा कचरा हैशटैग मत लगाना। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत तरीके के हैशटैग लगा देते हैं, पता नहीं उनके वीडियो से भी रिलेटेबल नहीं होते, अलग अलग टाइप के हैशटैग लगा देते हैं। तो ये तीन टाइप के हैशटैग लगाना और आप कंटिन्यू 20 दिन तक जो वीडियो डालो, दिन का 4 वीडियो डालो, और आप देखोगे कि आपका अकाउंट धीरे धीरे जो है वो अनफ्रीज होने लगेगा। तो ये तरीका है दोस्तों अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने का, और मैंने आपको बताया कि किस रीज़न के कारण आपका अकाउंट फ्रीज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख ले तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और मैंने आपसे जो पूछा कि आपके वीडियो पे कितना व्यूज़ और कितना लाइक आता है कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, मैं आपसे मिलता हूँ किसी न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड बाय।